उज्जैन में बढ़ते कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए बुधवार को सर्किट हाउस पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मीना जोनवाल, SP मनोज कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई भाजपा पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब रविवार को लॉकडाउन रहेगा। साथ ही आने वाले त्योहारों में गणेश पंडालों पर प्रतिबंध को देखते हुए गणेश प्रतिमा बनाने वाले मध्यम व गरीब वर्गीय परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। बैठक में निगम सभापति सोनू गहलोत, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह, महाकाल मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत, ADM विदिशा मुखर्जी मौजूद रही। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, इसके रोकथाम के लिए क्या निर्देश दिए गए? देखा, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कुछ दो तीन अहम निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो आगामी संडे से जो केसेज बढ़ रहे हैं उसको दृष्टिगत करते हुए जो लॉकडाउन है वो किया जाएगा, और जो लॉकडाउन होगा वो पूर्णतः 100% लॉकडाउन होगा। इवन मॉर्निंग वॉकर्स को भी जो है बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, जिसमें कि हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और दूध और न्यूज़पेपर, ये चार चीज़ें केवल अलाउड रहेंगी। मीडिया पर्सन्स को अलाउड रहेगा कवरेज, इसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। ये एक मुख्य निर्णय लिया गया है। दूसरा, आगामी दो सवारियों तक जो अभी रूट हमारा पिछली दो सवारियों में रहा है वही रूट रहेगा महाकाल की सवारी का, और उसमें हम लोग थोड़ा और उसको भव्य बनाने की कोशिश करेंगे उस रूट के साथ में। ये दो मुख्य निर्णय आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए। महाकाल दर्शन को लेकर क्या निर्देश? देखिए, दर्शन को लेकर अभी जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलेगी। ये जरूर है कि इस पर विचार किया गया है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कम किया जा सके, जिस पर हम लोग आगे कर रहे हैं। मंत्री जी बताइए, लगातार कोरोना वायरस से हम रेड जोन से ग्रीन जोन में आ चुके थे और वापस रेड जोन में जा रहे हैं, क्या कहेंगे लॉकडाउन को लेकर आप? अपने कोशिश की कि ये कंट्रोल हो, मिलकर के निर्णय कर रहे हैं, परमात्मा चाहेगा तो ऐसा होगा। संडे का दिन लॉकडाउन भी रहेगा और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये केस आए, लोग कड़ाई से पालन करें जो निर्देश दिए हैं। जनता के लिए क्या संदेश देंगे? सब मिलकर के सावन का महीना धार्मिक त्यौहार है, आनंद मनाए। लेकिन ये हमने दो तीन चीज निर्णय कराए कि जो गरीब लोग हैं, गणेश की प्रतिमा बनाते हैं, देवी प्रतिमा बनाते हैं, कमजोर है, उनको राशन फ्री मिल जाए, उनके लिए BPL कार्ड की व्यवस्था हो जाए, संवेदनाओं से भरा रहे, जितने धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा कर पाएं ताकि उनको संभाल लें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए क्या निर्देश है? हम ये कहा अपनी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करें और डेवलपमेंट के काम करें। भैया बताइए, कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है, रेड जोन से ग्रीन में आए और ग्रीन से वापस रेड में गए, क्या कहेंगे आप? अभी लगातार कुछ संख्या बढ़ी है, तो सतर्कता रखने की आवश्यकता भी है। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम बातों के अलावा ये तय किया है कि शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि शासन के भी निर्देश और आसपास के शहरों में ऐसा किया है। सप्ताह में एक दिन भी यदि हम अपनी गतिविधियों को पूर्ण रूप से विराम लगाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ स्थिति सुधर सकती है। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, खुद को भी सुरक्षित रखें और बाकी लोगों को भी सुरक्षा का ध्यान दें। क्या लगता है संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा उस दिन? एक रविवार, शनिवार रात से रविवार और रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक। पुलिस ने किया है विकास दुबे को पकड़कर, एक सफलता हासिल की है, मध्य प्रदेश के लिए शान है, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस और उज्जैन पुलिस और उज्जैन पुलिस कप्तान को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे चुका हूँ, धन्यवाद भी प्रेषित कर चुका हूँ कि उन्होंने देश के सबसे बड़े क्रिमिनल्स को यहाँ पर गिरफ्तार करा और उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि महाकाल जैसे पवित्र स्थान पर उसको गिरफ्तार करा, जहाँ पे ना कोई खून खराबा हुआ, लोगों उसको व्यवस्थित गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है, मैं अपनी मध्य प्रदेश पुलिस को सल्यूट करता हूँ और मध्य प्रदेश सरकार वचनबद्ध है कि मध्य प्रदेश की धरती पे किसी भी क्रिमिनल्स के लिए, अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, उसका कोई भी धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। दूसरा, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी कर रख रहा हूँ और अभी मैंने बैठक में भी यह निर्देशित करा है कि महाकाल हमारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, इसकी सुरक्षा की वापस से पुनः रिव्यू किया जाना चाहिए
और एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। उज्जैन पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए कुछ इनाम? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पुलिस का जो कर्मी और जो हमारी टीम है और हमारे एसपी, इनको सम्मान किया जाना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री जी बताइए, कोरोना वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, रेड जोन में वापस आ चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या निर्देश हुए हैं? आज बैठक हुई थी, इसमें ये तय किया गया कि महाकाल की जो सवारी अभी चीन मार्ग से निकल रही है उसी से महाकाल की सवारी अभी को दो सोमवार उसी से निकालेंगे, जिसके बाद बैठेंगे और जिसके बाद हम बातचीत करेंगे। और जो सरकार के नियम हैं, मैं चाहता हूँ अधिकतर लोग उसका पालन करें। कई लोग ऐसे देते हैं जो मास्क लगाते ही नहीं, और जो जिस प्रकार बढ़ रहा है उसको देखते हुए हर एक को सावधानी रखना आवश्यक है। अब ये भी बातचीत हो के जो विचार जो कि भोपाल का विषय है कि जो महाकाल में ऑनलाइन परमिशन दे रहे हैं दर्शन करने की, कि मध्य प्रदेश से बाहर के जैसे ग्वालियर और ग्वालियर के बाहर के भी दूसरा जो प्रांत के हैं महाराष्ट्र के जो लोग आ रहे हैं उस पर भी विचार करना चाहिए कि ऑनलाइन उनको परमिशन देना चाहिए कि नहीं। लेकिन श्रावण का मास है, महीना चल रहा है, हर आदमी ये चाहता है कि महाकाल के दर्शन हो। लेकिन जो यहाँ दर्शन कर रहे आ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो दिया है उसको बना दें। सांसद जी बताइए, वापस हम रेड जोन की ओर अग्रसर हो चुके हैं, कोरोना वायरस को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं आपको? एक तो ये बता दो कि अब रेड जोन की ओर अग्रसर नहीं है। कोरोना पॉजिटिव कुछ मरीज मिले हैं संक्रमित, अभी वह कन्फर्म होना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। वैसे 5 तो कन्फर्म हो गए, लेकिन हमने एहतियात के तौर पे जो कदम उठाए हैं कि रविवार को हम संपूर्ण लॉकडाउन करेंगे। इसमें ना तो हम सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग उनसे भी निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि वो भी ना निकले, संपूर्ण लॉकडाउन, जिसमें सिर्फ दवाई दूध और मेडिकल की दुकान अस्पताल ये रहेंगे चालू, बाकी सब संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दूसरा, बाहर से आने वाले जो दर्शनार्थी हैं हम ये प्रयास करेंगे कि उनसे अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप ना आए, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। तो उज्जैन को सेफ करने के लिए आज बैठक हुई थी, जिसमें कि हमने ये भी रिव्यू कराया कि हमारे कोरोना के लिए सब व्यवस्था संपूर्ण है कि नहीं है, जैसे कि लाइफ सपोर्टर, एम्बुलेंस या वेंटिलेटर्स, बेड्स, ये सब व्यवस्था हमारी संपूर्ण है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं इससे लड़ने के लिए, और बाबा महाकाल की कृपा से हम इस कोरोना वायरस को जरूर रोकने में कामयाब होंगे। और इसीलिए जनता जनार्दन से ये भी निवेदन है कि दो हफ्ते के लिए जो रूट अभी महाकाल की सवारी का है वही रहेगा, इसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और मेरा यही निवेदन है जनता जनार्दन से आपके माध्यम से कि वो सोशल नेटवर्किंग से, टीवी चैनलों से लाइव दर्शन करें बाबा महाकाल के और पुण्य प्राप्त करें।